जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास टेंथ में फिजिक्स में विद्युत धारा पढ़ रहे थे और विद्युत धारा का ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग ओम के नियम के बारे में सीखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में सीखेंगे और प्रतिरोध को कैसे संयोजन किया जाता है, रेजिस्टेंस का कैसे कम्बिनेशन किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं ओम का नियम क्या होता है। जॉर्ज साइमन ओम, इसका पूरा नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। और ओम ने एक रेजिस्टेंस से संबंधित एक नियम दिया था। उसने कहा था कि यदि किसी चालक तार की लंबाई चौड़ाई मतलब उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, न उसका ताप बढ़ाया जाए, न उसका लंबाई घटाया जाए, न उसका क्षेत्रफल बढ़ाया घटाया कुछ नहीं जाए, तब उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो उसके सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ओम का नियम क्या है भैया? कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो उसमें जो प्रवाहित धारा होगी विद्युत धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये ओम का नियम है। ओम का नियम यही है कि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जिसे आर कहते हैं। नियतांक को क्या कहते हैं? आर। जहाँ आर अनुक्रमानुपाती नियतांक है और इस आर को प्रतिरोध कहते हैं, जहाँ आर नियतांक है। आर क्या है भैया? नियतांक है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यहाँ से यदि आर का मान निकालेंगे तो ये इसके भाग में चला जाएगा तो वी बटा में आई बराबर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यही ओम का नियम है। ओम का नियम यही है कि आर बराबर वी अपन आई या वी बराबर आई आर। एक बार और ध्यान सुनेंगे कि ओम का नियम क्या है। ओम ने यही कहा था कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जैसे एक चालक तार समझ लेते हैं, इसमें प्रवाहित धारा विद्युत धारा आई है और इनके सिरों के बीच का विभवांतर भी है, तो इसमें जो प्रवाहित धारा होगी वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी। कब? जब उसके लंबाई चौड़ाई में उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तब। आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम भी बराबर आई आर है। अब हम लोग आगे समझते हैं। इस चालक का जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध आर, ये चालक के लंबाई पर, उसके क्षेत्रफल पर, ताप पर और पदार्थ कैसा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे किसी चालक तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू L। किसी पदार्थ की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है उसका प्रतिरोध। लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, यदि किसी चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस घट जाता है। ठीक है, ताप बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब जो प्रतिरोध होता है ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। इससे जो पहले वाला पार्ट है, पार्ट वन है, जरूर उसको जाकर देख लीजिएगा। उस पार्ट में हम बढ़िया से समझा चुके हैं कि ये सब कैसे होता है। ठीक है, इस पार्ट में बस ऐसे ही हम लोग समझ रहे हैं कि क्या होता है। ठीक है, पदार्थ यदि बदल देंगे, कोई पदार्थ बदल देंगे तो उसका रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। जैसे कॉपर का रेजिस्टेंस अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, लोहा का अलग होगा, सब पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, और ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और पदार्थ अलग अलग कर देंगे तो सब उसका सबका प्रतिरोध अलग अलग ही होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक, सुनिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जो एकांक लंबाई और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि 1 मीटर स्क्वायर हो तो। ठीक है, ठीक है, समझते हैं। ये तो हो गया विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, इसको कैसे निकालेंगे? जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं कि यदि किसी चालक तार का, यदि किसी
चालक की लंबाई एल हो तथा उसका क्षेत्रफल ए हो, तो यदि कोई चालक तार है जिसकी लंबाई एल है और उसका क्षेत्रफल ए है, तो चालक तार पर जो प्रतिरोध होगा आर, वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब लंबाई बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाए, और उसका लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसको समीकरण नंबर एक बना लेते हैं। उसका क्षेत्रफल यदि ए है तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण नंबर दो हो गया। समीकरण एक और दो को देखेंगे ध्यान से। समीकरण एक व दो को, तो इधर ई आर एल के अनुक्रमानुपाती है, यही आर एक बटा में ए के भी अनुक्रमानुपाती है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एल अपान ए हो जाएगा। क्लियर? जब भी यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह आता है और इसके साथ एक नियतांक आता है। तो आर बराबर रो इंटू एल अपान ए, जो रो है ये नियतांक है, रो का है नियतांक, रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, या इसी को रेजिस्टेंसिटिविटी भी कहते हैं। क्लियर? रो का है विशिष्ट प्रतिरोध है। तो यहाँ से अगर हम लोग रो का मान निकालें, रो बराबर तो आर का ए में गुणा हो जाएगा आर ए, बट्टा में क्या हो जाएगा एल। ठीक है, रो बराबर आर ए अपान एल, यही विशिष्ट प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध का यदि डिफिनेशन निकालें, तो यदि किसी चालक तार के, यदि किसी चालक तार का लंबाई एक मीटर और उसका क्षेत्रफल एक मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो जो उसका प्रतिरोध होगा वही विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जो एकांक लंबाई और उस चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि एक मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा, जो प्रतिरोध होगा, वही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, यल बराबर यदि एक मीटर और क्षेत्रफल ए बराबर एक मीटर स्क्वायर हो, तो रो बराबर आर इंटू एक की जगह पर एक मीटर और बटा में एल का मान एक, मतलब रो बराबर आर हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जहाँ पर उसका लंबाई एक मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक मीटर स्क्वायर हो। क्लियर हो गया कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के लिए फार्मूला ये होता है आर बराबर रो इंटू एल अपान ए। और डिफिनेशन की बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध यदि किसी चालक तार की लंबाई एक मीटर हो और उसका क्षेत्रफल एक मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वही विशिष्ट प्रतिरोध होगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है किसी चालक का वो गुण होता है, और गुण उसके लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। गुण जो होता है उसके हर एक पार्ट में होता है। ठीक है, तो यदि किसी चालक तार की क्षेत्रफल घटा दे बढ़ा दे, ओकर लंबाई घटा दे बढ़ा दे, तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वही रहता है। ठीक है, लेकिन लंबाई घटाएंगे बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो उसके प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि एक ही धातु के लिए विशिष्ट प्रतिरोध सेम होता है। ठीक है, लेकिन उसका प्रतिरोध अलग अलग होता है। अगर पदार्थ बदल देंगे तो उसका प्रतिरोध अलग अलग हो जाएगा, और अलग अलग पदार्थों के रेजिस्टेंसिटिविटी भी अलग अलग होता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे समझते हैं कि प्रतिरोधों को कैसे कम्बिनेशन किया जाता है, कि श्रेणी क्रम में और समांतर में। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं कि प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाएगा। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ठीक है। प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो तरह से किया जाता है। पहला नंबर पर होता है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम मतलब सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन,
और दूसरा नंबर पर होता है समांतर क्रम में कि इन पैरेलल उसको कैसे कम्बिनेट किया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखते हैं कि श्रेणी क्रम होता क्या है। श्रेणी क्रम ये होता है कि यदि कोई प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध हो गया, एक और प्रतिरोध है, कई गो प्रतिरोध है, इन सभी प्रतिरोधों का यदि दूसर का सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुटेगा, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुटेगा और अंत में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा आकर एक बैटरी से या किसी भी सेल से जुटेगा, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को या इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम कहते हैं। मान लेते हैं कि इस पहले प्रतिरोध का प्रतिरोध R1 है, दूसरे वाला का R2 है, तीसरे वाला का R3 है, डट डट ऐसे ही जितना मन करे उतना जोड़ा जा सकता है। श्रेणी क्रम का मतलब यह है कि दूसरा वाला इसका सिरा अगले वाला के पहले सिरे से जुटना चाहिए। ठीक है, अब इनके बीच के विभवांतर को यदि मान लेते हैं, इस प्रतिरोध के बीच का विभवांतर को मान लेते हैं V1, इसके बीच का विभवांतर को मान लेते हैं V2 और इसके सिरे के बीच का विभवांतर मान लेते हैं V3। लेकिन यहाँ से यदि विद्युत धारा आई जा रही है तो सब में विद्युत धारा आई ही जाएगी, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। ठीक है, अब हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे उसके बारे में समझते हैं कि श्रेणी क्रम क्या होगा। ठीक है, यदि हम यहाँ से निकालें विभवांतर का मान ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से, यदि ओम के नियम से यहाँ से पहले सिरे के बीच का विभवांतर निकालें तो भी बराबर आई आर होता है फॉर्मूला। भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। तो यहाँ विभवांतर है V1 और धारा आई और प्रतिरोध का है R1। इसको समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं, एक बना लेते हैं। ठीक है, और इसके सिरे के यदि बीच का विभवांतर ज्ञात करें तो V2 बराबर IR2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ विभवांतर V2 है, यहाँ प्रतिरोध R2 है। या अगले सिरे पर निकालते हैं तो V3 बराबर IR3, समीकरण नंबर 3। ठीक है, यदि हम इन सभी विभवांतरों को जोड़ेंगे, यदि सभी विभवांतरों को जोड़ेंगे तो बैटरी का विभवांतर यदि मान लेते हैं V है तो ये टोटल का विभवांतर V के बराबर होगा। जैसे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब सबका मान लिया के इसमें रख देंगे, V1 का मान है IR1 प्लस V2 का मान है IR2 प्लस V3 का मान है IR3। और हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम से कि V बराबर IR होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं IR। सब में से I कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे, IR बराबर इसमें से I कॉमन है तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये I से I कैंसिल हो जाएगा तो R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। जो R है इन सभी प्रतिरोधों को जोड़ने पर निकला हुआ है ER, तुल्य प्रतिरोध। तो यही डट डट आगे तक होगा, यदि 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी जोड़ना होगा जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इस सूत्र से यह समझ में आ रहा है कि यदि किसी प्रतिरोधों को, सभी प्रतिरोधों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उन सभी प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा उस अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों को जोड़ देंगे तो टोटल प्रतिरोध निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग समझते हैं समांतर क्रम क्या होता है, समांतर क्रम में कैसे इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इतना रहने देते हैं। दूसरा नंबर पर समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल में क्या होता है, श्रेणी में पहले प्रतिरोध का दूसरा का सिरा अगले वाले के पहले सिरे से, उसका दूसरा उसका पहला, उसका दूसरा उसका पहला, ऐसे जुटता था। ठीक है, लेकिन इस क्रम में क्या होगा कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर। ठीक है, ये कई को प्रतिरोध ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जितना मन करे उतना प्रतिरोध ले लेंगे।
इन सभी प्रतिरोधों का ई पहला सिरा एक बिंदु पर जोड़ देंगे, ठीक है, और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जोड़ देंगे। अंत में इसके पहले सिरे को ले आकर इससे परिपथ से जोड़ देंगे, यहाँ से लाकर इससे जोड़ देंगे। क्लियर? इस क्रम को बोलते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर होता है। इसका प्रतिरोध R1 मान लेते हैं, इसका R2 मान लेते हैं और इसका R3 मान लेते हैं। R1, R2, R3 इनका प्रतिरोध है। ऐसे डट डट बढ़ाया जा सकता है और आगे तक, ठीक है। और इसमें मानते हैं कि प्रवाही धारा I है, तो यहाँ से I यदि पॉइंट A पर जाती है तो ये तीन भागों में बढ़ जाएगी। मान लेते हैं पहला वाला में I1, दूसरा वाला में I2 और तीसरा वाला में I3। इसमें I1 I1 यहाँ से जाकर और पॉइंट B पर इसमें I1 I2 I3 मिलके फिर से धारा बना लेगी I, ठीक है, क्लियर हो गया। और इन दोनों के सिरों के बीच का यदि A और B के बीच का विभवांतर मान लेते हैं भी है, A और B के बीच का विभवांतर कितना है भैया भी है, ठीक है। तब हम अब कैसे निकालेंगे ओम के नियम से, ठीक। अगर इसमें चले पहले प्रतिरोध के लिए तो उसमें यदि चलेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से यदि I का मान निकालेंगे तो I1 बराबर पहले V बराबर आई आर ही निकालेंगे, सबके सिरों के बीच का विभवांतर भी है तो V बराबर I इंटू आर, यही ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। तो यहाँ प्रतिरोध I1 है, प्रतिरोध R1 है और धारा I1 है, तो इसको बना लेंगे समीकरण नंबर एक बना लेंगे, ठीक है। एक नहीं भी बनाएंगे तो यहाँ से यदि I का मान निकालेंगे तो I1 बराबर V अपन R1, क्लियर, इसको समीकरण नंबर एक बना लेंगे, ठीक। अब यहाँ I2 का मान निकालेंगे I2 के लिए तो यहाँ V बटा में R2 हो जाएगा, समीकरण नंबर दो। I3 का मान यदि निकालेंगे तो V बटा में R3 हो जाएगा, समीकरण नंबर तीन। यदि सभी I1, I2, I3 को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, I के, तो लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों को जोड़ेंगे तो I के बराबर हो जाएगा, ठीक है, चल रख देंगे। I1 का मान कितना है, V बटा में R1, प्लस I2 का मान कितना है, V बटा में R2, प्लस I3 का मान कितना है, V बटा में R3, और यहाँ यदि मान रखेंगे तो V बटा में I हो जाएगा, ठीक है। सब में से ऊपर से वी कामन है तो वी अपन आर हो जाएगा, ऊपर से यदि वी कामन कर लेंगे तो एक बटा में आर वन प्लस एक बटा में आर टू प्लस एक बटा में आर थ्री हो जाएगा, ठीक है। वी से वी खत्म हो जाएगा तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, एक एक बटा में आर लिख सकते हैं इसको, बराबर एक बटा में आर वन प्लस एक बटा में आर टू प्लस एक बटा में आर थ्री हो जाएगा डाटा टाइप से। तो यहाँ कह सकते हैं कि यदि सभी प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सभी प्रतिरोधों का जो व्युत्क्रम का योग जो होगा वो तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होगा। मतलब कि समांतर क्रम में जोड़ा गया सभी प्रतिरोध का योग जो होगा वो एगो प्रतिरोध के प्रतिरोध से भी कम आएगा, क्लियर। तो समांतर क्रम में एक बटा में आर बराबर एक बटा में आर वन प्लस एक बटा में आर टू ऐसे एक बटा में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में आर बराबर आर वन प्लस आर टू बराबर आर थ्री जोड़ेंगे। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।